बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रशीद चौधरी और आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। पिछले दिनों बागवान ग्रुप में एक डिस्कशन चल रही थी जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ग्राफ्टिंग किस तरह की जाए, तो आज मैं उसके हवाले से आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह जो है ग्राफ्टिंग करनी है, अच्छी से अच्छी नस्लें किस तरह अपने फार्म पर तैयार करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने सबसे पहला जो स्टेप है ना, उसमें ये करना है कि फ्रूटिंग सीज़न में आपने अपने फार्म का या अपने किसी रिलेटिव या दोस्त के फार्म का अच्छी तरह से विज़िट करना है और उसमें से जो सबसे बेहतरीन फ्रूट देने वाला पौधा है उसको सिलेक्ट करना है। बेहतरीन पौधा किस तरह आपने सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि वो पौधा बिल्कुल सेहतमंद होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, उसके फ्रूट का साइज़ जो है वो दूसरे पौधों की निस्बत फ्रूट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा जो उसके ऊपर छिलका होता है वो बारीक होना चाहिए, और जो पौधे का जो फल के अंदर खाने वाला सामान होता है उसका वो जो है वो ज़्यादा मीठा और बाकी पौधों की निस्बत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये तो थी चंद जो सिलेक्शन आपने करनी थी टिप्स उसमें से। तो इसके अलावा आपने पौधे को ये भी देखना है कि उसमें गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आप सर्दियों में भी विज़िट करें कि आपका पौधे बाकी पौधों की निस्बत ज़्यादा जानदार वो पौधा होना चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप मैंगो में देखते हैं तो सबसे पहले तो मैंगो में आपने ये देखना है कि सबसे बेहतरीन साइज़ किस मैंगो का है और उसमें जो गुठली है छोटी किस जो मैंगो की है, उसके अलावा छिलका बारीक होना चाहिए और जो आम का गूदा है खाने वाला वो सबसे ज़्यादा किस आम के अंदर है, और जो उसके अंदर बाल होते हैं वो भी कम से कम होने चाहिए, मीठा भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और देर तक कौन सी वैरायटी चलती है तो ये भी आपने देख लेनी है। तो आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं आम की ग्राफ्टिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले तो आपने अच्छे से अच्छा जो आपने सेलेक्ट किया था आम, उसकी एक ये वाली शाख ले लेनी है। शाख आपने सेहतमंद लेनी है, ना ज़्यादा पुरानी हो, कोशिश करनी है कि बिल्कुल नई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नरम भी नहीं होनी चाहिए, तकरीबन जो है ना एक साल पुरानी हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह ये शाख ले लेनी है और एक तेज़दार आले की मदद से आपने क्या करना है, इस आले की मदद से आपने सारे पत्तों को जो है वो उतार लेना है। पत्ते उतारने के बाद ये रह जाएगा। उसके बाद आपने ज्यादा से ज्यादा इसको 5 इंच जो है ना उसका काट लेना है, इतनी ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपने ये 5 इंच की ले लेनी है। कम से कम देखें कि उसके अंदर ये जो बड्स हैं ना 3 से 4 तो कम से कम होने चाहिए ये वाले बड्स जो हैं। तो चलें अब इसको हमने फिक्स किस तरह, सबसे पहले आपने यहाँ से सफाई कर लेनी है, पत्तों को काट लेना है, ये पत्ते। तो अगर तो आपने जल्दी फल लेना है तो आपने ये टॉप वाली लगानी है, ठीक हो गया, जिस तरह ये वाली है, ये वाले टॉप वाली शाख है। अगर आपने 2-4 साल के बाद पौधा बड़ा करके फल लेना है तो आप उससे नीचे वाली लगा लें। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने साफ़ सुथरी जगह सेलेक्ट करनी है, टी कट लगाना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा ज़ोर नहीं देना ताकि इसके नीचे वाली जो बोन है वो डैमेज ना हो। ये इस तरह इसको छील लेना है ऊपर से, तकरीबन इसको 2 से 2.5 इंच आप कर सकते हैं, उसके बाद इसको ऐसे कट लगा लेना है। जो आपने कलम सेलेक्ट की होगी उसको आपने ये ऐसे छील लेना है,
कोशिश करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, इसको छीलना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए इसको, ताकि ये अच्छी तरह ऊपर बैठ जाए जाके हड्डी के ऊपर। तो ये एंड पे इस तरह होना चाहिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से कट लगा दें। अब ये देखें, इसको ऐसे इसके अंदर फिक्स कर देना है। कोशिश करना है कि जितना काटा है उतना वो एंड तक फिक्स हो जाए। ठीक है, एक मिनट बंद करो। ठीक, हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि बहुत सारे लोग इस पे जो है ना धागा लपेट देते हैं, धागा जो है ना वो इसको कलम है ना जो उसको प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है इसको। कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि धागा लपेटने से धागा इसकी जिल्द के अंदर चला जाता है, वो मज़ीद इसको डैमेज कर रहा होता है। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह की एक पट्टी लें, मज़बूत होनी चाहिए ये पट्टी, इस तरह आप इस पे लपेट दें। बंद कर, तो इस तरह ये लिपट जाएगी। ये पट्टी लपेटने से इसका जो है वो दबाव जो है वो जितना हमने कट लगाया है ना उस पे मुकम्मल दबाव बना रहेगा। धागे से, जहाँ से धागे से दूसरे धागे तक डिफरेंस होता है वहाँ पे फिर वो दबाव मुकम्मल नहीं होता। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एयर टाइट कर देना है। एक शॉपर लेना है, इस तरह उसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इस तरह इस पे लपेट लें। ये आपकी जो है कलमकारी जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, ये मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन इसको 1 महीने से 1.5 महीना लग सकता है इसकी शाखें निकलने तक। इसकी शाखें जो हैं वो जब आप देखें कि शॉपर के अंदर काफ़ी सारी शाखें निकल चुकी हैं, तब आप सिर्फ ये वाला धागा नीचे बंधा रहने दीजिए, सिर्फ आपने शॉपर खोल देना है। जब तक आपकी तकरीबन 6-7 इंच की इसके ऊपर कोम्पल निकल आए, उसके बाद आपने ये खोलना है। ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, ये पहली वीडियो है, ये पहला तरीका है। तो इसके अलावा दर्जनों तरीके हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो भी मैं नेक्स्ट तरीके पे आपको जो है बना के दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।